दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट करार कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज, पेशेंस एंड गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। लेकिन कई बार स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को लॉसेज का सामना करना पड़ता है। इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्टॉक्स में रातों रात के उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रभावित ना हो, एक रूल बनाया गया जिसे हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स। इस साल इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें कोरोना की वजह से कई सारे सर्किट ब्रेकर्स हिट होते देखने को मिले, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज़ कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो जी हाँ, सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिक टर्म होती है जो स्विच के लिए यूज़ की जाती है। जब भी कोई सर्किट ओवरलोड हो जाता है तो ये स्विच ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बंद कर देता है। तो स्टॉक मार्केट में सर्किट ब्रेकर क्या है कि स्टॉक प्राइस के फ्री अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा सर्किट लिमिट्स को लगाया जाता है, यानी ये स्टॉक की मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस मूवमेंट को लिमिट कर देता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इंडेक्स होते हैं जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी, उसके लिए हम सर्किट लिमिट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं उसके लिए हम प्राइस बैंड्स का यूज़ करते हैं। जनरली दो टाइप के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट होता है वो प्राइस या लिमिट जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर डे पे। दोस्तों, ये अपर सर्किट हर रोज रिवाइज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज़ और मान लीजिए उसका जो अपर सर्किट है वो है 120 रुपीज़। तो यहाँ पे अपर सर्किट का मतलब है कि ये स्टॉक अगर 120 रुपीज़ को टच करेगा तो वहाँ पे इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ये स्टॉक 120 रुपीज़ पे ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता, तो इसको हम अपर सर्किट कहते हैं। और वहीं लोअर सर्किट होता है वो प्राइस या लिमिट जिसके नीचे स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर डे पे। तो ये लिमिट भी अपर सर्किट की तरह डेली बेसिस पे रिवाइज होती है, और जब इस स्टॉक की वैल्यू लोअर सर्किट को टच कर देती है तो अपर सर्किट की तरह लोअर सर्किट में भी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। दोस्तों, जब भी स्टॉक लोअर सर्किट हिट करता है तो उसमें सिर्फ सेलर्स होते हैं, कोई बायर नहीं होता, और जब भी स्टॉक अपर सर्किट को हिट करते हैं तो उसमें सिर्फ बायर्स होते हैं, कोई सेलर नहीं होता। तो ये हमने समझ लिया कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, लेकिन इंडेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक के सर्किट ब्रेकर्स थोड़े अलग होते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्ट के बारे में, जो कि भारत का पहला पर्सनलाइज डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसमें आप ₹20 पर ट्रेड से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके कॉल एंड ट्रेड के 0 चार्जेस लगते हैं, यानी आप फ्री में कॉल करके भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ प्रॉफिट मार्ट में ही मिलती हैं। इनकी एडवांस मोबाइल ट्रेडिंग ऐप से आप स्टॉक्स को इजिली बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसमें आपको कस्टमाइज एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी आप अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन सेट करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑनलाइन पेपरलेस है, आप घर बैठे सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडेक्स की, जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसकी जो सर्किट लिमिट है वो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, और ये लिमिट्स 10%, 15% एंड 20% हैं। यानी कि इंडेक्सेस में जब भी ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है, और वो कितनी देर के लिए बंद हुई ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज का सर्किट लगा है। और वहीं हम बात करें स्टॉक्स की, यानी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं तो उनकी जो लिमिट्स हैं वो एक्सचेंज डिसाइड करते हैं, जैसे NSE एंड BSE, और इनकी जो लिमिट्स हैं वो है 2%, 5%, 10% एंड 20%। तो स्टॉक्स भी अगर अपने अपर बैंड या लोअर बैंड को टच करते हैं तो इनके अंदर भी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सर्किट लिमिट्स के बारे में पता होनी चाहिए वो हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं जो डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, उनका कोई प्राइस बैंड नहीं होता, यानी उनमें कोई ट्रेडिंग लिमिट नहीं होती है। और दूसरा, कि जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है, यानी IPO के दौरान भी, जिस दिन वो स्टॉक लिस्ट होता है उस पर्टिकुलर डे पे भी उन स्टॉक्स की कोई प्राइस बैंड नहीं होती। जैसे अभी रिसेंटली बर्गर किंग IPO की लिस्टिंग हुई थी, तो उस लिस्टिंग वाले दिन, सिर्फ पहले दिन, उस स्टॉक पे कोई सर्किट लिमिट नहीं लगती है, वो स्टॉक कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे जा सकता है। तो बेसिकली ये थी हमारी स्टॉक मार्केट सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।
सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।